गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। इससे पहले वाले क्लास में हमने वेव्स को डिस्कस किया था कि वेव्स कैसे ट्रैवल करते हैं, और उसमें हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं उनको डिस्कस किया था, लाइक वेवलेंथ हमने डिस्कस किया था, हमने वेव नंबर डिस्कस किया था, हमने फ्रिक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं वेव्स के उसको हमने डिस्कस किया था। आज जो है हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं वो कई तरीके के होते हैं, जो हम देखते हैं रेडिएशंस और यहाँ पे वेवलेंथ में देखें तो कई रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, इंफ्रारेड हैं, विजिबल रेज हैं, जो विजिबल रेज हम देख पाते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज है, एक्सरे है एंड गामा रेज हैं। तो दीज आर ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जिसकी हम बात करते हैं। तो इन सारे रेडिएशंस में हम जो देख पाते हैं, उन रेडिएशंस को देख पाते हैं उसको हम विजिबल रेडिएशंस कहते हैं, और इनका जो वेवलेंथ होता है वो 7600 टू 3800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। तो इसी रेंज के बीच वाले जो रेडिएशंस हैं उनको हम देख पाते हैं, दे आर विजिबल्स। तो यहाँ पे सभी वेव्स के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनका वेवलेंथ दिया हुआ है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको लर्न कर लीजिएगा, वेरी यूजफुल। नेक्स्ट है एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो जब हाइड्रोजन एटम अपना स्पेक्ट्रम फॉर्म करता है तो दैट इज द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, और इस स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम को हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 by λ इज इक्वल टू न्यू बार, दैट इज आर एच ब्रैकेट में 1 by N1² - 1 by N2², वेर आर एच इज द रेडबर्ग कॉन्स्टेंट और जिसकी वैल्यू होती है 108978 सेंटीमीटर इनवर्स, और यहाँ पे N1 एंड N2 आर द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ द डिफरेंट स्पेक्ट्रम। लाइक अगर N1 की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, तो जो हाइड्रोजन एटम डिफरेंट स्पेक्ट्रम फॉर्म करता है, लाइक इफ वैल्यू ऑफ N1 इज 1 देन इट बिलोंग्स टू द लेमन सीरीज एंड इट इज अल्ट्रा वायलेट रीजन, अगर 2 है तो दैट इज बामर सीरीज, दैट इज विजिबल स्पेक्ट्रम है, थर्ड पास्टर्न दैट इज इंफ्रारेड रेडिएशन, फोर ब्रैकेट इंफ्रारेड एंड फिफ्थ वन इज द इंफ्रारेड। तो दीज आर द डिफरेंट स्पेक्ट्रल रीजन फॉर्म बाय द हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पे हर सीरीज को दिखाया गया है, लेमन बामन पास्टर्न ब्रैकेट एंड पी फन सीरीज, वेयर एन बिलोंग्स टू 1, 2, 3, 4, ये सारी चीजें जो है दी गई हैं एन की वैल्यू। नेक्स्ट वन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम द सर्फेस ऑफ मेटल वेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रिक्वेंसी फॉल ऑन इट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था कि अगर एक सुटेबल फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट अगर किसी मेटल पर फॉल करती है तो वहां से इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होता है, एंड दैट इफेक्ट इज नोन एज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और यहाँ पे जितनी अमाउंट लाइट की रिक्वायर्ड है, फ्रीक्वेंसी किसकी फ्रीक्वेंसी, लाइट की मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट मींस कि उतनी फ्रीक्वेंसी जो कि इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सके उस फ्रीक्वेंसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, दैट इज वी नॉट से हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको। एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, इट मीन्स कि जो फ्रिक्वेंसी होगा, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी जितना होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड पर सेकेंड डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन। और कितना इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में इजेक्ट होगा उस मेटल से, ये डिपेंड करता है कि जो रेडिएशन उस पर फॉल हो रहा है उसकी इंटेंसिटी कितनी है। और इसमें हम इसको जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H nu - H nu naught, दैट इज ½mv² इस इक्वेशन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है प्लैंक्स क्वांटम थियरी। सब्सटेंस रेडिएट और एब्जॉर्ब एनर्जी डिसकंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स। तो प्लैंक क्वांटम ने क्या कहा था कि जो भी सब्सटेंस है जो कि एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या फिर रेडिएट करता है, ये कंटिन्यूसली नहीं करता है या फिर कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब या रेडिएट नहीं करता है, ये एक पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी निकलती है, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में निकलती है
और डिसकंटिन्यूअसली निकलती है। द स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड द क्वांटम, और इसमें से जो स्मॉल स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी निकलती है उसको हम क्वांटम कहते हैं। इन केस ऑफ लाइट, अगर हम लाइट की बात करें तो यहाँ पे क्वांटम को हम फोटोन का टर्म देते हैं। इट मीन्स जो लाइट से एनर्जी निकलती है इट इज इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। द एनर्जी ऑफ द क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, और जो एनर्जी है क्वांटम की जो एनर्जी होगी या फोटोन की जो एनर्जी होगी वो रेडिएशन के फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। और इसको हम एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वी से, वेयर न्यू इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एंड एच इज द प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। और प्लैंक्स कॉन्स्टेंट की जो वैल्यू होती है वो 6.626 × 10⁻²⁷ और सेकेंड, और 6.626 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है एच की। अ बॉडी कैन रेडिएट और एब्जॉर्ब एनर्जी इन होल नंबर मल्टीपल्स ऑफ द क्वांटम, दैट इज एच एन और टू एच वी, थ्री एच वी एंड एच वी यहाँ पे है। इट मीन्स कि होल नंबर के डेसिमल में नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा, जब भी होगा तो 1HV होगा, 2HV, 3HV, 4HV, इसी तरह से NHV तक इसकी वैल्यू हो सकती है, एंड ऑल आर द पॉजिटिव इंटीजर। नेक्स्ट है बोहर एटॉमिक मॉडल। आफ्टर रदरफोर्ड ने जो एक्सप्लेन किया था तो उन्होंने ड्रॉबैक्स क्या था कि उन्होंने एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बताया था, तो वहाँ पर फिर उसके बाद बोहर एटॉमिक मॉडल आया और बोहर ने उसको फिर एक्सप्लेन किया। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ फिक्स्ड एनर्जी। तो उन्होंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस से एक फिक्स्ड ऑर्बिट में चारों तरफ घूमते रहते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन दोज ऑर्बिट हुज एंगुलर मोमेंटम, दैट इज mvr, इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h / 2 पाई। और उन्होंने क्या बताया कि जब कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करती है चारों तरफ तो उसमें क्या होता है, कुछ एंगुलर मोमेंटम होता है जिस एंगल पे वो रिवॉल्व कर रही है। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम है mvr, उसको हम किस में दिखाते हैं, h / 2 पाई के फॉर्म में, h / 2 पाई के फॉर्म में, या फिर 2h / 2 पाई के फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, मल्टीपल ऑफ h / 2 पाई। इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ EMR when it jumps from lower energy level to higher energy level, EMR means electromagnetic radiations। और इलेक्ट्रॉन जो एब्जॉर्ब करता है एनर्जी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फॉर्म में उसको एब्जॉर्ब करता है जब वो ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी लेवल पे जंप करता है, एक्साइटेड स्टेट में जाता है। तो एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज इन द इलेक्ट्रॉन जंप, तो जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है या फिर वापस आता है फ्रॉम सेकेंड लेवल टू फर्स्ट लेवल या फिर फर्स्ट लेवल टू सेकेंड लेवल में, तो वहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है या फिर एब्जॉर्ब होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन से, दैट इज डी इज इक्वल टू E2 - E1 एंड दैट इज इक्वल टू H nu इज योर एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द ड्यूरिंग वेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है कि जिस स्टेट में एक्चुअली वो होता है, उसकी प्रेजेंट सिचुएशन जहाँ पे वो स्टेबल होता है, और जब वो एनर्जी गेन करता है तो वो एक्साइटेड स्टेट नेक्स्ट स्टेट में जंप कर लेता है, नेक्स्ट सेल में चला जाता है, और जब एनर्जी लूज करता है तो वापस ग्राउंड स्टेट में आता है फॉर द स्टेबिलिटी पर्पस के लिए। नाउ व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ बोहर थ्योरी, फेल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम हैविंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। तो ये थ्योरी भी जो स्पेक्ट्रम है उसको एक्सप्लेन करने में फेल थी। Fail to account the splitting of spectral line source of the spectrum is placed the strong magnetic field or electric field। और उसके बाद इन्होंने नहीं बताया कि the splitting of the spectral line है कि spectral line का जो split हो रहा है जब हम उसको कब magnetic और electric field में place करते हैं तो ये क्यों होता है, and the dual nature of particles। तो dual nature of particles means कि electron behave करता है like particle nature भी दिखाता है और wave nature भी दिखाता है। तो इन्होंने ये दोनों चीज़ों को explain नहीं किया था कि electron have the both the property, particle nature और wave nature दोनों हैं, तो ये explain नहीं हुआ था। Next one is the de Broglie equation। de Broglie ने क्या propose किया, he proposed that matter like radiations would also exhibit dual behavior, that is both particle as well as wave-like properties। तो इन्होंने क्या बताया कि जो radiations हैं ये भी dual behavior show करते हैं,
बोथ पार्टिकल एज वेल एज वेव प्रॉपर्टीज। और इसके लिए इन्होंने बताया कि इक्वेशन दिया लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी और एच बाई पी, पी इज इक्वल टू मोमेंटम की हम बात करते हैं। हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इसके बाद है। हिजनबर्ग ने क्या बताया, हिजनबर्ग ने बताया कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजिशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में क्या बताया कि इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है अपने ऑर्बिट में, मूव करता है एक सर्कुलर ऑर्बिट में, तो वहां पे हम उस ऑर्बिट में उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम कि वो किस पोजीशन पे है और कितने मोमेंटम से वो मूव कर रहा है, हम साइमल्टेनियसली एक साथ हम उसको बता नहीं सकते हैं कि वो किस पोजीशन पे। अगर पोजीशन पता चला तो मोमेंटम नहीं पता होगा, मोमेंटम पता चला तो पोजीशन नहीं पता होगा, हम एक ही साथ दोनों को बता नहीं सकते हैं। दैट इज द हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नाउ नेक्स्ट वन इज द क्वांटम नंबर, क्वांटम अगेन फोटोन। तो इसमें क्वांटम नंबर में हम प्रिंसिपल क्वांटम एजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट इट टेल्स द मेन सेल इन विच द इलेक्ट्रॉन रिसाइड्स। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है कि मेन सेल सेल होता है, फिर उसके पार्ट होते हैं, सब सेल होता है। तो ये मेन सेल होता है जो कि जहां पे इलेक्ट्रॉन रिसाइड करता है एंड द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो ये बताता है कि न्यूक्लियस से इस सेल की डिस्टेंस कितनी है मेन सेल की, और यहाँ जहां पे इलेक्ट्रॉन रिसाइड करता है। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल कैन बी एकोमोडेटेड इन 2n². तो कोई भी सेल है जैसे कि एन एल एम एन है, तो एक सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है तो 1 फर्स्ट सेल है, तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रिसाइड करेंगे, तो n की जगह पे हम 1 पुट अप करेंगे, 1² 1 × 2। इट मीन्स पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रिसाइड करेंगे, उसके अगले वाले सेल में कितने करेंगे, तो n की जगह पे हम 2 वैल्यू पुट अप करेंगे, तो 2 × 2 = 4 × 2 = 8, तो दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रिसाइड करेगा। तो एक सेल में, एक प्राइमरी सेल में जिसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन रिसाइड करेगा, तो उसको हम किस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, 2n² फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द एजीमुथल और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ सबसेल प्रेजेंट इन द मेन सेल। तो पहला जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था वो मेन सेल को बताता है। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है कि उस सेल में, जो प्राइमरी सेल में, कितने सब सेल हैं। और दिस सब्सिडियरी ऑर्बिट विद इन अ सेल विल बी डिनोटेड एज SPDF। तो एक सेल में, एक प्राइमरी सेल में कितने सब सेल होंगे और उन सब सेल को हम SPDF से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड दिस टेल्स द शेप ऑफ द सब सेल फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, वेयर n पॉसिबल वैल्यू 1 स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to n-1। तो जहां पे n की वैल्यू 0 to n-1 तक वेरी करती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर वैल्यू 0 है सबसेल की तो उसको हम S से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर 1 है तो वहां पे P से रिप्रेजेंट करेंगे, 2 है तो D से, 3 है तो F से, 4 है तो G से। नेक्स्ट वन है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ प्रीफर्ड ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सबसेल। इट मीन्स कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो किस फॉर्म में वहां पे प्रेजेंट है, ओरिएंटेशन क्या है। For a given value of 1, there are 2L plus 1 possible value m starting from minus 1 to plus 1, minus L to plus L. Next है आपका spin quantum number. It determine the direction of spin of the electron in an orbit. It means कि जो spin quantum number बताता है कि जो electron spin कर रहा है, घूम रहा है, वो किस direction में घूम रहा है। और यहाँ पे जो electron spin करता है उसमें जो दो पॉसिबल वैल्यू होती हैं स्पिन क्वांटम नंबर की, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। तो ये स्पिन क्वांटम नंबर है। नेक्स्ट वन, अब किसी भी एटॉमिक ऑर्बिट में, किसी भी एटम के अगर हम ऑर्बिट को देखें तो वहां पे आपके प्राइमरी सेल्स भी हैं, उसमें आपके सब सेल्स भी हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रिसाइड करता है, प्राइमरी सेल्स में, और प्राइमरी सेल्स में भी कहाँ पे होता है, उनके सब सेल्स में। सब सेल्स मीन्स SPDF। तो अगर हम फर्स्ट में हैं तो वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, और हर इलेक्ट्रॉन की अपनी
कैपेबिलिटी है, हर सबसेल की अपनी कैपेबिलिटी है कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो वहां पे किस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो इसके लिए यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जिसमें हम अफबाउ प्रिंसिपल कहते हैं। फर्स्ट रूल अफबाउ ने बताया कि फर्स्ट जो है इलेक्ट्रॉन किस सेल में जाएगा, इट मीन्स कि किस प्राइमरी सेल के किस सबसेल में पहले जाएगा, और उसके लिए यहाँ पे स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है लाइक 1s 2s 2p। पहले प्राइमरी सेल में एक सबसेल है, एक सब ऑर्बिट है जिसको हम 1s कहते हैं, फिर दूसरे में 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f लाइक दिस। जैसे जैसे सेल्स बढ़ेंगे, ऑर्बिट बढ़ेगा, उतने ही उसमें सबसेल्स भी बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन फिल होना है वो पहले 1s में फिल होगा। यहाँ पे आप एरो की डायरेक्शन देखिएगा, पहले 1s में आएगा, 1s से फिर 2s में आएगा, 2s के बाद फिर 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 4s, फिर 3d में, 4s के बाद 3d, फिर 4p, 5s, लाइक दिस। इलेक्ट्रॉन जो होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, उतने इलेक्ट्रॉन इसी के अकॉर्डिंग जो है फिल होंगे। तो अफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड वन बाय वन टू द वेरियस ऑर्बिटल इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी स्टार्टिंग विद द ऑर्बिटल ऑफ लोएस्ट एनर्जी। तो पहला 1s जो लोअर एनर्जी लेवल होगा उसमें पहले फिल होगा इलेक्ट्रॉन, उसके बाद फिर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल में वो फिल होता चला जाएगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी वेरियस ऑर्बिटल इज, तो पहले 1s होगा, 1s इज लेस देन 2s, 2s इज लेस देन, तो इसके अकॉर्डिंग जो है इलेक्ट्रॉन फिल होगा। नाउ नेक्स्ट वन इज द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, एन ऑर्बिटल कैन कंटेन अ मैक्सिमम नंबर ऑफ टू इलेक्ट्रॉन एंड दीज टू इलेक्ट्रॉन मस्ट बी ऑफ अपोजिट साइन। तो ये कहता है कि एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और वो दो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अपोजिट साइन के होंगे, प्लस हाफ होगा या फिर माइनस हाफ होगा। स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है, उसका डायरेक्शन बताता है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। तो उसके लिए यहाँ पे हम अपोजिट स्पिन के साथ में, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर प्लस हाफ है तो दूसरा माइनस हाफ नहीं होगा, दूसरा भी प्लस नहीं होगा, एक प्लस है तो दूसरा माइनस होगा, अपोजिट स्पिन होगा, दैट एक्सप्लेन बाय द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नेक्स्ट हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंड्स रूल क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन पी डी एंड एफ ऑर्बिटल कैन नॉट अकर अंटिल ईच ऑर्बिटल ऑफ अ गिवन सबसेल कंटेन्स वन इलेक्ट्रॉन ईच और इन सिंगली ऑक्यूपाइड। तो जब भी इलेक्ट्रॉन एस पी डी एफ ऑर्बिटल में फिल होगा तो पहले क्या होगा, ये नहीं है कि यस में दो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो दो इलेक्ट्रॉन एक ही साथ फिल हो जाएगा पी डी एफ में या फिर जो भी है, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा सब में और उसके बाद फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो दैट एक्सप्लेन बाय द हुंड्स रूल। नाउ दिस द एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है कि जब भी हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और उसके सबसेल में प्रेजेंट हैं तो हमें उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हाइड्रोजन का या फिर हम ऑक्सीजन का ले लें जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो अगर हम ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6, यहां तक आएगा। 1s2 मतलब क्या है कि पहले ऑर्बिट में पहले सेल्स में दो इलेक्ट्रॉन है 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 में एक s है और एक p सबसेल है, तो s में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, p में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मींस कि इलेक्ट्रॉन कितने नंबर में किस ऑर्बिट में किस सबसेल में प्रेजेंट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। बट वहां पर रिप्रेजेंटेशन में कभी कभी चेंजेस देखने को मिलते हैं, दैट इज द एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन जिसको हम कहते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, तो ये उसके वजह से होता है। जैसे कॉपर को अगर हम देखें तो कॉपर के पास 29 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 29 इलेक्ट्रॉन्स को हमें अगर प्लेस करना हो तो हम सीधे सीधे अगर हम अफबाउ प्रिंसिपल को देखें, अफबाउ प्रिंसिपल की बात करें तो पहला इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा, फिर पी में जाएगा, फिर डी में जाएगा, फिर एफ में,
तो 1s, 2s, 2p, 3s, तो इस तरीके से। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे, पहले 1s में गया, फिर 2s में, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, इस तरीके से जाएंगे इलेक्ट्रॉन। और जितनी भी कैपेसिटी होगी उस सबसेल की, अगेन वन चीज यहाँ पे एक चीज और है कि एस की जो कैपेसिटी होती है वो 2 इलेक्ट्रॉन की होती है, पी की 6 इलेक्ट्रॉन की होती है, अगर हम डी की बात करें तो डी की 10 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी होती है इसमें। लेकिन अगर हम सीक्वेंस वाइज जाएं यहाँ पे कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो हमें कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे मिलेगा, बट एक्चुअल में कॉन्फ़िगरेशन ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर एक्चुअल में क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d10। सो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कॉपर शो करता है और इस चेंज को एक्सेप्शनल हम कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो ये कुछ एलिमेंट शो करते हैं जो कि रूल से थोड़ा सा हट के हैं, और ये किस लिए होता है, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल के वजह से होता है यहाँ पे। तो इस तरह के एलिमेंट जो कुछ अलग कन्फिग्रेशन शो करते हैं उनको हम एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन कहते हैं। तो ये था आज का टॉपिक कि क्वांटम नंबर से लेके हमने क्वांटम नंबर इसमें फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर हैं उसको हमने डिस्कस किया, और कैसे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन फिल होगा अकॉर्डिंग टू द अफबाउ प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू द हुंस रूल मल्टीप्लिसिटी रूल्स के अकॉर्डिंग कैसे उसको फिल करना है ये देखा। अगर इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखने में कोई भी दिक्कत है तो बिल्कुल भी पूछिएगा, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखें। तो जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वहां पे हमें अफबाउ प्रिंसिपल याद रहना है कि अफबाउ प्रिंसिपल में पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल होगा, 1s के बाद 2s में, फिर 2s के बाद किस में जाएगा, 2p में जाएगा। तो ये सारी चीजें जो हैं, अगर मैं एक बार फिर से चार्ट दिखा दूं तो यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा, रूल्स याद करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू द एनर्जी लेवल, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 4s के बाद 3d में जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो ये जो सीक्वेंस बना हुआ है एरो के साथ में, सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हमें किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, और अगेन अगेन कि जो सबसेल है उसकी कैपेसिटी कितनी है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। तो अगेन मैं बता दे रहा हूँ, एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन, पी के पास 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट किया जा सकता है, उनकी कैपेसिटी है, तो इतने इलेक्ट्रॉन को हम रख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो बिल्कुल कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं उसको रिप्लाई करूंगा।